आखिरकार बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर निमृत कौर अलवालिया को उनके सबसे अच्छे दोस्त शिव ठाकरे ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी कि अगर खून की उल्टी भी आती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, खून की उल्टी आने दो। जी हां, आपको बता दें कि शिव ठाकरे अब बिग बॉस के घर के अंदर निमृत कौर अलवालिया पर टूट पड़े हैं और उन्हें इतनी बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब निमृत कौर अलवालिया ने शिव ठाकरे की यह बात सुनी तो निमृत की आंखों से तो आंसू ही आ गए, क्योंकि निमृत ने कभी सोचा भी नहीं था कि शिव उनकी मंडली के होते हुए भी, शिव उनके सबसे अच्छे दोस्त होते हुए भी इतनी बड़ी बात उन्हें कह देंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर निमृत कौर अलवालिया को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ऐसे में आखिर क्यों शिव ठाकरे ने इतनी बड़ी बात निमृत कौर अलवालिया को कह डाली है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर निमृत कौर अलवालिया और शिव ठाकरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा और काफी ज्यादा अनबन होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज बिग बॉस के घर के अंदर प्रियंका चौधरी और अर्चना गौतम दोनों के बीच लड़ाई होती है, इसी को लेकर निमृत और शिव बात कर रहे होते हैं। निमृत कहती हैं कि प्रियंका ने अर्चना गौतम के साथ बहुत बुरा किया, अर्चना गौतम के साथ प्रियंका को इतनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, देखो अर्चना की हालत कितनी बुरी हो गई है कि उसे उल्टी आने लगी है। जिसके जवाब में शिव ठाकरे ने कहा कि अच्छा हुआ अगर अर्चना को उल्टी आ जाए, क्योंकि अर्चना ने इस घर में हर किसी को रुलाया है, एक बार उसे भी स्वाद चखना चाहिए कि आखिर लड़ाई किस तरह की होती है। जिसके साथ शिव ठाकरे ने यह भी कहा कि अर्चना ने तो सभी घर वालों को, यहां तक कि हमें भी खून की उल्टी रुलाया है। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही शिव ठाकरे ने यह बात कही निमृत कौर अलवालिया तो भड़कती हुई नजर आई और कहने लगी कि नहीं तुम गलत हो, यहां पर प्रियंका जो है इस लड़ाई में दोनों में गलत है। लेकिन शिव ठाकरे कहते हैं कि निमृत तुम यहां पर एक बार फिर से गलत जा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर के अंदर अगर सबसे अच्छी गेम कोई खेल रहा है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम कोई खेल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका चौधरी है और कोई नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि घर के बाहर की जनता भी प्रियंका को काफी अच्छा और काफी तगड़ा सपोर्ट दे रही है और प्रियंका की गेम को हर कोई पसंद कर रहा है। लेकिन अर्चना गौतम की गेम को कोई भी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि अर्चना हर किसी से जानबूझकर लड़ाई झगड़ा करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर बात करें तो अब बिग बॉस के घर के अंदर निमृत कौर अलवालिया और शिव ठाकरे दोनों के विचार काफी ज्यादा अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द निमृत और शिव मंडली से अलग हो जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसमें प्रियंका सही है या फिर अर्चना, हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।